डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे, डेयरी केमिस्ट्री के अंदर दूध में पाए जाने वाले जो पोषक अवयव हैं, उनमें आपने खनिज पदार्थों की बात कर ली थी। आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर खनिज लवणों की पोषक उपयोगिता। अब खनिज लवणों की जो पोषक उपयोगिता क्या होती है, खनिज लवण जो फॉस्फोरस है, कौन सा खनिज लवण की बात कर रहा हूँ मैं, फॉस्फोरस, ये फास्फोरस जो है वो हड्डियां, मांस एवं दांत निर्माण के लिए आवश्यक खनिज होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, हड्डियों, मांस एवं दांत निर्माण के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ कौन सा होता है, फास्फोरस। ये शरीर को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करने वाला कंकाल प्रदान करते हैं, जो खनिज लवण पदार्थों से मिलकर बना होता है। कैल्शियम एवं फॉस्फोरस खनिज लवणों की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जनरेट होता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस खनिज पदार्थों की कमी से, लवणों की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। वयस्कों के अंदर, वृद्धों के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाते हैं। खनिज पदार्थों की या खनिज लवणों की कमी होने से बांझपन भी हो सकता है। तो ये है खनिज लवणों की पोषक उपयोगिता। तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस पी, यानी कह सकता हूं फास्फोरस हड्डियां, मांस एवं दांत निर्माण में सहायक होता है। हड्डियां, मांस एवं दांत निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यह शरीर को आकार, यह है शरीर का आकार, एवं दृढ़ता प्रदान करने वाला कंकाल बनाते हैं, कंकाल बनाता है। यानी हड्डियां, मांस, दांत निर्माण में सहायक होता है, शरीर का आकार एवं दृढ़ता प्रदान करने वाला कंकाल बनाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम वे फास्फोरस खनिज लवणों की कमी से, कैल्शियम में फास्फोरस खनिज लवणों की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस वे ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाते हैं। कैल्शियम फास्फोरस खनिज लवणों की कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाते हैं। खनिज लवणों की कमी से बांझपन भी हो सकता है। इन खनिज लवणों की कमी से बांझपन भी हो सकता है। इन खनिज लवणों की कमी से बांझपन भी हो सकता है। तो ये है खनिज लवण। इसमें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्वों में। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विटामिन। विटामिन क्या होता है, घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन है
उनको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जल में विलय, उर्वसा में विलय। इन घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक तो जल में घुलने वाले और एक वसा में घुलने वाले। देख, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो भागों में बांट दिए जाते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो है उनको कितने भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में। कौन कौन से दो भागों की बात कर रहे हैं, जल में विलय और नंबर टू पे होगा जल में अविलय। जल में अविलय, जो जल में विलय होगा वो वसा में क्या होगा, अविलय। जल में विलय होगा जो वसा में क्या होगा, अविलय। वसा में अविलय, ऐसे ही जल में अविलय होगा वो वसा में क्या होगा, विलय। वसा में विलय, यानी उल्टा ध्यान रखना है आपको कि जल में जो घुलने वाला होगा वो वसा में घुलेगा नहीं, जो जल में नहीं घुलेगा वो वसा में घुलेगा। यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, जल में विलय और जल में अविलय। अब जल में विलय विटामिन्स की बात कीजिए, जल में विलय होगा वो वसा में क्या होगा, अविलय। अब जल में विलय कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और जल में अविलय तो वसा में क्या होगा, विलय। जल में अविलय विटामिन्स के एग्जाम्पल कौन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के, यानी ये जो विटामिन होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अविलय। घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को कितने भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है, जल में विलय और जल में अविलय। तो जल में विलय होगा वसा में अविलय होगा, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, विटामिन बी व विटामिन सी। अब विटामिन बी के अंतर्गत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ध्यान रखना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे थायमिन है, राइबोफ्लेविन, बायोटिन है, पाइरिडोक्सिन है, इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये विटामिन भी शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यदि इन विटामिनों को खुराक में नहीं दिया जाए तो कई तरह की बीमारियां होने लग जाती है। यानी विटामिन जो है वो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्या होते हैं, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इन विटामिनों को यदि खुराक में नहीं दिया जाएगा तो कई तरह की बीमारियां हो जाती है। इन विटामिनों को खुराक में नहीं दिया जाता है तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो ये है आपके विटामिन्स और खनिज लवणों की पोषक उपयोगिता। खनिज लवणों की पोषक उपयोगिता में क्या बताया, जो फास्फोरस खनिज लवण है वो हड्डियां, मांस, दांत निर्माण में क्या होता है, सहायक। क्वेश्चन जनरेट होता है
कि उस खनिज लवण का नाम बताइए जो हड्डी मांस दांत निर्माण में क्या होता है सहायक। तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस। शरीर का आकार दृढ़ता प्रदान करने वाला कंकाल बनाते हैं ये खनिज। कैल्शियम और फास्फोरस जो खनिज लवण है इनकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है रिकेट्स, और कैल्शियम फास्फोरस खनिज लवणों की कमी से वयस्कों में कौन से रोग हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाते हैं। कभी कभी खनिज लवणों की कमी से क्या आता है बांझपन भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात की है विटामिन। घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन है उनको कितने भागों में बांट दिया जाता है दो भागों में जल में विलय और जल में अविलय। जो जल में विलय होगा वो वसा में क्या होगा अविलय, जल में अविलय होगा वो वसा में क्या होगा विलय। तो जल में विलय विटामिन कौन आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी के अंतर्गत कौन आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमिन हो सकता है राइबोफ्लेविन हो सकता है बायोटिन हो सकता है पाइरिडोक्सिन है ये सभी प्रकार के विटामिन बी के अंतर्गत आने वाले विटामिन हो सकते हैं। इसी प्रकार से जल में जो अविलय विटामिन है जो वसा में क्या होगा विलय उसके अंतर्गत कौन आते हैं विटामिन ए है विटामिन डी है विटामिन डी है विटामिन के ए डी ई के। यानी कि इन विटामिनों ये जो विटामिन होते हैं वो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या होते हैं आवश्यक होते हैं। यदि इन विटामिनों को यदि आपने खुराक में नहीं दिया जाता है तो कई प्रकार की बॉडी के अंदर बीमारियां होने लग जाती है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स आपके विटामिन। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी। थैंक्स।